नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश में बढ़ेगा ऑनलाइन पेमेंट का चलन, RBI ने 32 कंपनियों को दी है मंजूरी। देश में ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ने के बाद कई फिनटेक कंपनियां सेगमेंट में उतर आई है। वैसे को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक जो है RBI उसने 32 ऐसी कंपनियों की लिस्ट जारी की है जिन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। वही लाइट में जहां पर इस लिस्ट के अंदर जहां पर रोजारेपे और इसके अलावा रिलायंस और गूगल, जोमेटो, पिन और लाइव जैसी बड़ी कंपनियां जो है शामिल है। वही पेटीएम और फ्रीचार्ज जैसी कंपनियां जो है फिशरी साबित हुई है। वही पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस हासिल करने के लिए देश भर में 183 कंपनियों ने आवेदन किया था जिसमें क्रेडो, फोन पे जैसी कंपनियां भी शामिल है। वही RBI ने यहाँ पर फ्रीचार्ज और पेटीएम और पेयू और इसके अलावा टाइपिट टेक्नोलॉजी की लाइसेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि फोन पे, क्रेडो और मोबाइल क्विक और इसके अलावा इंस्टा मौजूद समेत 18 कंपनियों की एप्लीकेशन पर अभी विचार किया जा रहा है। वही कई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का लाइसेंस एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की वजह उनकी पूर्व क्रिप्टो करेंसी के लेन देन या गेमिंग एप्स का जुड़ा होना रहा है। इतना ही नहीं, सभी के KYC से जुड़े मुद्दे भी अभी जांच के दायरे में आए हैं। साथ ही कई कंपनियां RBI द्वारा तय की गई नेटवर्क लिमिट को भी पूरा नहीं कर सकी है। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो डॉलर को टक्कर देने की तैयारी में है भारत, 64 देशों के साथ रुपए में होगा कारोबार। विदेश से व्यापार डॉलर में निर्भरता को कम करने के लिए भारत की ओर से उठाए जा रहे कदम जो है वो कारगर साबित हो रहे हैं। दरअसल रूस के साथ रुपए में व्यापार की शुरुआत के बाद देश में 17 वास्तु खाते खोले गए हैं, यानी 17 वास्तु खाते खोले गए हैं। जर्मनी, इसराइल और इसके अलावा जर्मनी जैसे विकसित देशों समेत 64 देशों ने रुपए के जरिए कारोबार करने में अपनी रुचि है जो जताई है। वही RBI ने जुलाई 2022 विदेशों से यहां पर ब्याज आकर्षित करने और डॉलर पर निर्भरता को घटाने के लिए रुपए में ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम का प्रस्ताव दिया था। वही ये प्रस्ताव जो है किया था पहली बार यूरोपीय यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी मुद्रा यानी भारत के रुपए के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया है। वे भारत का रुपया अगर 30 से अधिक देशों के साथ व्यापार करता है तो ऐसे स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा का रूप ये जो भारत का पैसा जो है वो ले सकता है। वही शुरुआती चरण में रूस के बाद श्रीलंका ने भी भारतीय रुपये व्यापार की सहमति जताई थी, जबकि अब रुपये व्यापार करने के इच्छुक देशों में अफ्रीका के कई देश, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे देश शामिल है। वही ये देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की कमी से जूझ रहे, जबकि तजाकिस्तान, क्यूबा और सूडान भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो फ्री में देख पाएंगे आप 200 से ज्यादा टीवी चैनल्स, बदलने वाला है आपका टीवी, नहीं पड़ेगी सेटअप बॉक्स की जरूरत। देश के अंदर अब स्मार्टफोन के बाद अब जमाना जो है स्मार्ट टीवी का आ गया है। वहीं टीवी पर आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और इसके अलावा अमेजोन प्राइम समेत कई एप्स का एक्सेस मिलता है। इन सब के बाद भी एक बड़ी आबादी अभी भी ऐसी है जहाँ जिनको जो है वो सेटअप बॉक्स का इस्तेमाल करती है। फ्री टू एयर चैनल के लिए भी कस्टमर्स को सेटअप बॉक्स पर पैसे खर्च करने होते हैं। वही आने वाले वक्त में इन चैनल को देखने के लिए आपको सेटअप बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है जो कि DD फ्री डिश पर आते हैं। सरकार इसके लिए एक प्लान जो है लेकर आई। दरअसल कंज्यूमर्स को सेटअप बॉक्स से मुक्ति दिलाने के लिए इंफॉर्मेशन और जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उसके लिए जो इसके लिए एक प्लान जो है तैयार किया है। दरअसल इसके तहत टीवी में पहले ही यहाँ पर इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर जो है वो लगा है, जिसमें यहाँ पर टीवी का जो शेड्यूल सेटनर जो है ट्यूनर लगा हुआ है, उसकी मदद से आप चैनल जो है वो देख सकेंगे। दरअसल इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 200 चैनल्स फ्री है जिन्हें दर्शकों को बिना पैसे खर्च के ही यहाँ पर उन्हें देखने को मिलेंगे। वही टीवी में बिल्ट इन जो सैटेलाइट ट्यूनर से मिलने से यूजर्स बिना किसी दिक्कत के फ्री टू एयर चैनल देख पाएंगे। इसके लिए उन्हें एक एंटीना यहाँ पर लगाना होगा जिससे टीवी तक सिग्नल जो है वो पहुंच सके। इस बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि दूरदर्शन परिडीज पर सामान्य एंटरटेनमेंट चैनल की संख्या बढ़ी है, इस वजह से व्यूअर की संख्या भी जो है वो बढ़ी है। साथ ही उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के प्रयासों के बारे में भी बात यहाँ पर की। उन्होंने इसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बिल्ड ट्यूनर के साथ टीवी सेल यहाँ पर हो सकेंगे। दूरदर्शन अपने चैनल को एनालॉग ट्रांसमिशन से डिजिटल सैटेलाइट ट्रांसमिशन पर स्विच कर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर, देखिए अगले हफ्ते जारी होगी PM किसान की 13वीं किस्त, ऐसे लोगों को नहीं मिलेंगे पैसे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी कर सकते हैं। दरअसल 24 फरवरी 2019 को ही केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। ऐसे में 24 फरवरी को पीएम किसान योजना के 4 साल पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा इस दिन 13वीं किस्त जो है वो जारी करने जाने की उम्मीद यहाँ पर है। यानी सरकार की ओर से 13 जो किस्त है 13वीं वो जारी की जाने की उम्मीद है। वह हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पीएम मोदी ने 12वीं किस्त जो है वो 17 अक्टूबर 2022 को जारी की। लगभग 80 मिलियन किसानों को इसका फायदा हुआ था। इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान संसद में कहा था कि योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2019 की शुरुआत में 3 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर 10,45,00,000 के आसपास हो चुकी है। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि यदि आपने इसका स्टेटस यहाँ पर चेक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर यूज करना होगा। इसके अलावा अपना स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो है अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। वही पीएम किसान के तहत सरकार वैध नामांकन वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसका भुगतान 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में किया जाता है। हर महीने एक बार यहाँ पर जो किस्त है वो जारी की जाती है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 हुई थी, जब पहला जहाँ पर जो भुगतान जो है जब पहली किस्त का भुगतान जो है वो किया गया था।